नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ। अस्थायी स्ट्रांग रूम में समय के पूर्व डाक मतपत्रों के सरलीकरण मामले को लेकर बालाघाट विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अजय विशाल बसेन ने भी अब जिला प्रशासन सहित जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गिरीश मिश्रा को गड़घड़े में खड़े कर कई संगीन आरोप लगाते हुए उच्च स्तर पर इस मामले की शिकायत की है। विशाल बिस्सेन ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 27 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे के पहले ही डाक मतपत्रों में हेराफेरी व बदलाव करने के उपरांत उनका सरलीकरण किया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन की इस प्रक्रिया में सत्ता पक्ष के एक प्रत्याशी को जबरदस्ती जिताने के लिए बैलेट पेपर भी धांधली की गई है। 27 नवंबर के वायरल वीडियो में जितने भी कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं उन सबकी जाँच होनी चाहिए, उनकी मोबाइल रिकॉर्डिंग और सीरिया रिकॉर्ड भी निकाला जाना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिस्सेन के सगे रिश्तेदारों और करीबियों को कैसे और क्यों निर्वाचन कार्य में लगाया गया है, जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं इससे चूक मान रहे हैं, फिर उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। सर, तहसीलदार और SDM पर निलंबन की कार्यवाही कर इस धांधली को छुपाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो एक लोकतांत्रिक हत्या है। श्री बिस्सेन ने कहा कि जिन डाक मतपत्रों के सरलीकरण की बात कलेक्टर कर रहे हैं उनमें जिले के सभी 6 विधानसभाओं के डाक मतपत्र शामिल हैं। जब समय पूर्व इनका सरलीकरण अवैधानिक है तो सिर्फ बालाघाट विधानसभा के आरओ पर ही क्यों कार्यवाही की गई है, बल्कि ये कार्यवाही सभी विधानसभाओं के नोडल और रिटर्निंग अधिकारियों सहित जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर बालाघाट हैं उन पर भी होनी चाहिए। आखिर किसके इशारे पर कलेक्टर को बचाया जा रहा है? बैलेट की काउंटिंग में किसी को कैसे हराया जा सकता है, प्रक्रिया किस तरीके से बदली जा सकती है, फोर्जरी कैसे हो सकती है? कंप्लीट फोर्जरी हुई है, कंप्लीट हेराफेरी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है, डाक मत पत्रों को बदला गया है। हमने ये शिकायत की है, हमने उसमें शिकायत में लिखा है कि जितने डाक पत्र सीरियल वाइज सीरियल नंबर से जारी हुए थे उनको सभी प्रत्याशियों को सार्वजनिक करके दिया जाए और जो डाक मत पत्र आए हैं 3 तारीख तक जो आएंगे उनको मिलान, पहले वो सर जो क्रमांक जारी हुए हैं, जो संख्या जारी हुई उनसे मिलान किया जाए और 100% मिलान होने के बाद ही उनको जो है मतदान स्थल पर जो है उसकी मतगणना की जाए, हमारी मांग। दूसरी मांग ये है, जैसा मीडिया के माध्यम से उस वीडियो में देख रहा हूँ कि गौरीशंकर बिस्सेन जो है भाजपा प्रत्याशी हैं उनके एक सगे रिश्तेदार उस वीडियो में निर्वाचन कर्मचारी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग से मेरा ये कहना है कि क्या आपने इस बात की जांच नहीं की थी कि जो निर्वाचन में लगाए गए लोग हैं वो किसी भी प्रत्याशी के किस स्तर पर रिश्तेदार हैं? अगर नहीं की थी तो ये एक और त्रुटि निर्वाचन की है। और मेरा ये मानना है कि जिस रिश्तेदार की प्रशासन बार बार जो बचाने का प्रयास कर रहा है और जो मीडिया बार बार जिसका नाम सामने ला रही है उनकी भी संलिप्तता की जांच की जाए इस हेरफेर में। जितने कर्मचारी वहाँ दिख रहे हैं, अधिकांश लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सबका CDR, उन सबकी कॉल रिकॉर्डिंग, उन सबका डाटा जो है उसको उसकी जाँच की जाए। जितने लोग हैं उन सबके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए, किसी को भी ना बख्शा जाए, ये मेरा मानना है। इसके अलावा जो हमने जितने पॉइंट की शिकायत हमने की, मैं आपको सबको व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भेज दूंगा, उसमें काफ़ी विस्तृत तरीके से सवाल लिखे हुए हैं, आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो गौरीशंकर बिस्सेन के रिश्तेदार हैं, ये दो लोग जो हैं जो गौरीशंकर बिस्सेन के विश्वास पात्र हैं, ये लगभग 2 महीने से पूरी चुनावी प्रक्रिया में इन्वॉल्व है और 2 महीने से सतत इनका उपयोग करते हुए हर चीज इनके हिसाब से मॉनिटरिंग में संचालित की जा रही है। इस पर मैं बता दूं, आपको प्रकाश डालना चाहूंगा कि एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जो रिटायर्ड BU रहा हुआ है। रिटायर्ड BU मतलब वो सभी शासकीय कर्मचारियों से बहुत बेहतर तरीके से परिचित है, जितने स्कूल शिक्षक हैं उनसे बेहतर तरीके से परिचित है और वो सभी जो है कहीं ना कहीं मतदाता भी है, तो ये एक अलग तरीके से दबाव बनाने की प्रक्रिया भी हो सकती है। दूसरा कि वोट इनके पक्ष में डाला जाए। दूसरा ये कि मीडिया के सामने बात आई, प्रशासन ने माना कि वो व्यक्ति जो रिटायर्ड BU है या BRC जो भी था रिटायर्ड कर्मचारी, वो भाजपा का अभिकर्ता था। तो मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, ये मेरा खुद का अनुभव है, कि प्रत्याशी को चार अभिकर्ता बनाने का प्रावधान होता है और ये 4 अभिकर्ता टिल द डेट ऑफ काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो 4 ही रह सकते हैं। जैसे हमने 2 बनाना आवश्यक समझा तो हमने अपने आशीष शुक्ला जी और वैभव बिस्सेन जी को अभिकर्ता बनाया और सारे चुनावी प्रक्रिया में हमारे तब से आशीष शुक्ला जी या वैभव बिस्सेन जी हर जगह गए, क्योंकि प्रत्याशी हर जगह नहीं जा पाते, इनकी साइन भी अथराइज होती है, इनको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। तो जिस व्यक्ति को वहाँ पे BJP का अभिकर्ता बताया गया उस व्यक्ति का क्या आइडेंटिटी कार्ड चेक किया था गया था? क्या वाकई वो नियम अनुसार जो है निर्वाचन उसको अभिकर्ता बनाया गया? इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच जैसी होगी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, पिछले 2 महीने से वो क्या कर रहे हैं। मैंने इसके पहले उस जो रिश्तेदार है उसके बारे में बोल दिया कि वो निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल कैसे हुए, वो क्यों किया गया, उनकी जाँच क्यों नहीं की गई,
ये बड़ा सवाल है। और कुछ पंचायत की आप सभी जानते हैं 27 तारीख की दोपहर के बाद से जिस तरीके से डाक मत पत्रों की जो छेड़छाड़ या जो कार्रवाई जो हुई उस संबंध में जो भी अभी तक के हुआ है, आज 29 तारीख मतलब पिछले 72 घंटों में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हुई, जो राजनीतिक दलों की क्रिया प्रतिक्रिया हुई, जो राज्य निर्वाचन आयोग की और जिला निर्वाचन आयोग की जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई, उन सबसे परे हटकर मैं जिस विषय पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ वो विषय अभी तक की मेरे सामने नहीं आया। पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और परसवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काफ़ी सारी बातें सामने आई, बट मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 राज्यों में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। चारों ही राज्यों की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं या जितने भी जिले हैं उनमें कहीं भी ऐसी प्रक्रिया डाक मतपत्र को लेकर नहीं की गई जो बालाघाट में की गई। यह सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएँ भी हैं। एक राजनीतिक दल द्वारा जो है वो दिल्ली स्तर पर भी शिकायत की गई है, भोपाल स्तर पर भी जो है राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा काफ़ी अलग अलग मांगे की जा रही है। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में तहसीलदार और बालाघाट SDM जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको निलंबित किया गया, इससे यह बात तो साबित होती है कहीं ना कहीं निर्वाचन की प्रक्रिया में चूक हुई है, त्रुटि हुई है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुई है, हेराफेरी हुई है, धांधली हुई है, तभी तो इस तरीके से कार्रवाई की गई। हम ने जो है राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त, भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त, BGP मध्य प्रदेश और बालाघाट पुलिस अधीक्षक को ईमेल के माध्यम से अभी कुछ दूर पूर्व ही 12 से 15 पॉइंट की एक शिकायत हम आपको भी देंगे, वो बनाकर भेजिए। उसमें हमारा ये मानना है कि जितने भी कर्मचारी उस वीडियो में दिख रहे हैं उतने सभी कर्मचारी, दूसरा निर्वाचन प्रक्रिया में जो अधिकारी यहाँ पर संलिप्त थे उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी भी शामिल, उन सबके खिलाफ तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। जो धाराएँ भारतीय निर्वाचन आयोग के नियमों के उल्लंघन में आती हैं उन धाराओं को लेकर जो है अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। दूसरा इन सबको जो अभी सिर्फ 2 लोगों को सस्पेंड किया गया पर बाकी जो लोग उस प्रक्रिया के दौरान दिख रहे हैं इस वीडियो में उनको भी तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सस्पेंड करना चाहिए। मुझे ताज्जुब और आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी बार बार बचाए क्यों जा रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाक पत्र के सरलीकरण की बात को जिला निर्वाचन अधिकारी मान रहे हैं उसमें 6 विधानसभा के सरलीकरण की बात है। तो जब 6 विधानसभा के सरलीकरण की प्रक्रिया को उन्होंने अवैधानिक तरीके से किया है तो फिर सिर्फ 1 विधानसभा के रिटर्निंग अफसर और तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। या तो आप 6 रिटर्निंग अफसर को सस्पेंड करें या जिला निर्वाचन अधिकारी को सस्पेंड करें, और साथ ही इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए क्योंकि जो उन्होंने किया वो अपराधी श्रेणी में आता है। कहीं भी 2 तारीख के पहले, मैं आपको एक बात और बता दूँ जिसका उल्लेख कहीं नहीं आया है, कि 2 तारीख की शाम को 7 बजे तक के जितने डाक मतपत्र आएंगे बालाघाट उन सबको शामिल किया जाएगा निर्वाचन की मतगणना प्रक्रिया में। जब 3 तारीख तक के आने का समय है तो 27 तारीख को किस बात के किस आधार पर इन बैलेट पेपर को जमाया जा रहा था? क्या 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख सुबह तक जो डाक मतपत्र आएंगे उनका क्या? जब नियम में यह है निर्वाचन के कि 3 तारीख को जब सारे डाक मतपत्र आके समय खत्म हो जाएगा तब सरलीकरण किया जाएगा अलग अलग विधानसभा की अलग अलग जगह, क्योंकि एक ही जिला मुख्यालय में सबके निर्वाचन की मतगणना होनी है, उनकी टेबलों पर पहुंचाया जाएगा और प्रत्येक विधानसभा में 4 टेबल लगाई गई है मतगणना सिर्फ पोस्टल बैलेट पेपर के। ये क्यों किया गया 5 दिन पहले, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही जिसको कलेक्टर ने भी माना है कि उन्हें जानकारी नहीं थी। भाई जब 3 बजे खुलने का आपने एक लेटर जारी किया था कि 15 तारीख को एक लेटर जारी हुआ कि 3 बजे वो खोला जाएगा और सरलीकरण किया जाएगा, पहला सवाल तो एक ही, क्यों किया जाएगा जब 3 तारीख तक का समय है आने का? दूसरा ये कि चलते चुनाव में मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, 15 तारीख को जो है वोटिंग कैंपेनिंग जो है कैनवासिंग जो है वो ख़त्म हुई, 17 को पोलिंग थी, ये इस दौरान पर प्रत्याशी और उनके अभिकर्ता इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता, पीक आवर्स होते हैं इलेक्शन के, आप उस समय पत्र जारी कर रहे हैं 27 तारीख को हम फलानी कार्रवाई करेंगे, निश्चित सी बात है कि यह किसी भी प्रत्याशी के दिमाग में हर समय नहीं रहेगी। जब निर्वाचन कार्रवाई करता है तो प्रत्येक दिन में क्या करने वाला है इसकी जानकारी प्रत्येक प्रत्याशी को 3 माध्यमों से दी जाती है। पहला माध्यम टेलीफोन से, दूसरा घर पर पत्र भेजकर प्रत्याशी का जो पता है उस पर, तीसरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें 17 प्रत्याशी और 13 शासकीय कर्मचारी जो निर्वाचन में संलिप्त है उन सबके मोबाइल नंबर है, और वो चूंकि आज डिजिटल जमाना है तो जल्दी खबर पहुंचाने का एक माध्यम वो भी है। परंतु आपको बता दूं कि 27 तारीख को जो कार्रवाई की जाने वाली है जिसका ये कह रहे हैं हमें 15 तारीख को पूर्व विदित बता दिया था,
और 27 को ये किया जा रहा है, इसकी पुनः जानकारी किसी भी माध्यम से मैं स्वयं प्रत्याशी मुझे प्राप्त नहीं हुई, इससे ये निश्चित साबित होता है कि किसी और को भी नहीं होगा। और चूंकि 6 विधानसभा क्षेत्र का मामला था, 6 विधानसभा क्षेत्र में जितने प्रत्याशी हैं या उनके अभिकर्ता, उनको जानकारी जानी चाहिए थी, चाहे वो बैयर, लांजी, परसवाड़ा, कटकी, वारासुनी, मालाट, जहाँ भी है, पर कहीं भी किसी को जानकारी नहीं दी गई, यानी जानबूझ कर छिपाया गया। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि पोस्टल बैलेट पेपर वाले मामले में ये निग्लिजेंसी नहीं है, ये मैन्युपुलेशन है, हेर फेर की गई है। कैसे की गई मैं वही बताता हूँ। तीन तरीके से इनको जानकारी देनी थी, इन्होंने नहीं दी। जब 3 बजे इनको खोलना था तो इन्होंने 3 बजे तक इंतजार नहीं किया, 1:30 बजे खोल दिया। खुद भी कलेक्टर मान रहे हैं इस बात को, 1.5 घंटे का समय जो है मैनिपुलेशन करने के लिए काफ़ी होता है। मुझे तो इस बात का शक है कि शायद 1:30 बजे से पहले, जो मेरे को आशंका जताई जा रही है, जो मेरे को पुरानी कई बार विधानसभा चुनाव में हो चुका है, उस पर आधार बोल रहा हूँ कि 1:30 बजे के पहले ही पोस्टल बैलेट पेपर में अदला बदली की जा चुकी थी। 1:30 बजे के बाद दो पार्टी के अभिकर्ता वहाँ पहुंचे और उसके बाद में उन्होंने सारणीकरण का काम दिखाकर उनको जो बदलाव किए जा चुके थे उनको डाल दिया गया और जो एक्चुअल थे उनको हटा दिया गया। इसके पहले कब हुआ था बता रहा हूँ। बरघाट विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 साल पहले कांग्रेस प्रत्याशी ईवीएम के काउंटिंग में जीत गए परंतु बैलेट की काउंटिंग में हार गए। जो कोई नेता दमनकारी रहता है ना, वो अपनी जीतें सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है। प्रशासन पे दबाव किस तरीके से बनाया जाता है आप लोग मीडिया वाले मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं अभी एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में भी होगा कि जो 27 तारीख घटनाक्रम हुआ, वो घटनाक्रम किसी एक प्रत्याशी के व्यक्ति विशेष के बारे में अगर नहीं होता तो आज भाजपा चुप क्यों है? आज भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो गया, बोल क्यों नहीं रही कुछ? भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय निर्वाचन आयोग को दिल्ली में जाकर शिकायत करी। भाई जब निर्वाचन में निग्लिजेंसी हुई है या मैनिपुलेशन हुआ है, इसी शिकायत तो भाजपा को भी करनी चाहिए। बताओ, निर्दलीय प्रत्याशी मैं कर रहा हूँ तो भाजपा मौन क्यों? इसे साफ समझ आता है कि सत्ता का स्पष्ट नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में चिड़िया बना के छोड़ दिया। बिल्कुल, इस पर भी आता एक बड़ी त्रुटि और हुई कि निर्वाचन के दौरान छोटी से छोटी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है। सीसीटीवी इज डिफरेंट थिंग और वीडियोग्राफी इज वेरी डिफरेंट थिंग। सीसीटीवी इसलिए रखी जाती है कि कोई मतलब गुस्से ना, घुसपैठ ना हो, इस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके, उसको सीसीटीवी रखते हैं। पर कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, होती है। उस दिन जो काम किया जा रहा था उसकी वीडियोग्राफी नहीं हो रही थी, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। दूसरा, जो इन्होंने पंचनामा बनाया, पंचनामे में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो आपत्ति उठाई गई थी उसका निराकरण हो गया है, या पोस्टल बैलेट पेपर जो है वो 2 तारीख के पहले क्यों सरलीकरण किए जा रहे थे, इसको लेकर पंचनामे में कोई उल्लेख नहीं। पंचनामे स्ट्रांग रूम को बंद किए जाने का उल्लेख है, वो तो पंचनामा किसी उस पंचनामे में तो कोई भी साइन करेगा कि चलो भैया मेरे सामने बंद कर दिया, आपको भी खड़ा कर देंगे, आप भी साइन कर दोगे, हाँ भैया मेरे सामने बंद करें, सील करें। पर उसके बीच में जो आपत्ति उठाई गई, कांग्रेस की प्रत्याशी वहाँ पहुंची, उनको मतलब SDM द्वारा जो कुछ बताया गया रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, वो सब चीज़ें पंचनामे में कहीं भी उल्लेख नहीं था कि प्रत्याशी आया, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, अभिकर्ता थे उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, ये इसका कहीं उल्लेख नहीं था उस पंचनामे को। पंचनामा जो है पूर्णतः एक प्रकार से उसको आधार ही नहीं माना जा सकता इस पर गड़बड़ी का, वो एक अलग विषय है। भैया आप भी सबसे पहले इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। मजाक नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आपने अमर्यादा पूर्ण कर दिया है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। भाई देश में दो ही चीजें हैं जिसको निष्पक्ष माना जाता है, एक तो न्यायपालिका, दूसरा निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन की प्रक्रिया में जिस तरीके से न्यायपालिका की प्रक्रिया में गड़बड़ हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, उसमें FIR रजिस्टर होती है, उसी तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर कोई कंटेम्प्ट करता है या कोई चुप करता है उसके खिलाफ कहीं से कहीं तक कोई उसको छोड़ने की या उसको राहत देने की कोई प्रावधान नहीं है, खिलाफ FIR होना चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ उनका निलंबन होना चाहिए। SDM तहसीलदार जिनको निलंबित किया जाया गया उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, और जो लोग उस वीडियो में दिखाई दे रहे सबके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होकर सबको सस्पेंड करना चाहिए, हमारी मांग। भैया आज जो है मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनकी भूमिका को किस तरह देखते हैं, क्योंकि सारी शिकायतें तो उनके पास भी जा चुकी है निर्वाचन, उसके बाद भी कलेक्टर साहब पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। निर्वाचन आयुक्त का मैंने कल एक वीडियो देखा था उनकी तरफ से, मुख्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश से वीडियो आया था, उन्होंने उस बात को कबूल किया, पर उन्होंने सिर्फ निग्लिजेंसी को कबूल किया। मैं तो आरोप ही दूसरा लगा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मैनिपुलेशन हुआ है, बैलेट पेपर को बदला गया है। और जैसा कि आप जानते हैं मालाड विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष रहा है चुनाव पर, बहुत कम ज्यादा वोटों से जीत हार होगी इस चुनाव में, कोई तीनों प्रत्याशियों में से कोई भी चुनाव जीतेगा तो बहुत सीमित अंतर से जीतेगा,
और बैलेट पेपर अपने आप में बड़ा अंतर होते हैं किसी को भी जबरदस्ती जिताने के लिए। इसमें बाकायदा जो है धांधली की गई है, इसमें प्रयास किया गया है कि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको इसका फायदा पहुंचाया जा सके। ये प्रक्रिया में बात की जा रही है कि जितने प्रत्याशी और अभ्यर्थी अर्जेंट है उनको कॉल लिया था उस दिन, मैंने आपको बताया ना तीन माध्यम होते हैं संपर्क करने के, तीनों ही माध्यम से मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ। मैं तो सोशल मीडिया पे भी कलेक्टर के पेज पे इस बात को लिखा है, जिसे आज एक अखबार ने जगह भी दी है कि भाई मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, मुझे कोई मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया, मुझे कोई जानकारी दी गई, निर्वाचन आयोग स्पष्ट करें, लिखा है मैंने। कांग्रेस और भाजपा के एजेंट उनका कहने का विषय जो समझ में आया वो ये था कि हमने भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को सूचना दे दी, तो भाई बाकी जो अन्य राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय हैं, प्रादेशिक हैं, जो निर्दलीय हैं, बाकी जो 15 लोग हैं वो क्या प्रत्याशी नहीं है क्या? क्या प्रशासन को पहले ही पता चल गया कौन जीतने वाला है? हो सकता है इन दो को छोड़कर उन 15 में से कोई चुनाव जीत जाए, कुछ भी हो सकता है, जनतंत्र है, जनता ने किसका चुनाव किया ये कैसे तय करेंगे? भैया आप भी स्वयं प्रत्याशी रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ईवीएम है क्या इसकी कोई जानकारी आपको दी गई अभी कि वो कहाँ है, कितनी है, कहाँ सुरक्षित है, नहीं है? कल परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो हैं उनके द्वारा 100 ईवीएम के बदलाव का एक मामला सामने आया, उदाहरण पड़ा, बिल्कुल सही बात है, परंतु इसकी जानकारी ऑन द रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास में नहीं दी गई है और इसकी ऐसी कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं हुई। निर्वाचन अधिकारी से इस विषय में आपको चर्चा की? हमारे अभिकर्ताओं ने लगातार चर्चा की, उन्होंने बस सफाई देने का यही प्रयास किया कि चूक हुई है, लेट हो गए, वही जो जो मीडिया में आ रहा है वही उन्होंने जो है जवाब देने का प्रयास किया, कोई भी नई बात उन्होंने नहीं की है। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब मतगणना हुई थी, एडी देशमुख और विश्वेश्वर भगत उस समय कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार थे, उस समय कटंगी के कुछ बूथों की ईवीएम की सीलें टूटी पाई गई थी और ईवीएम में जो मतदान हुआ था वो उसके मतगणना में भी मतांतर पाया गया था। अगर कहीं किसी बूथ पे 200 वोट डाले हैं तो 250 निकल रहे हैं, कहीं 250 डाले हैं तो पता चल रहा है 150 निकल रहे हैं। तो ये काउंटिंग के हेरफेर के बाद में तीन कांग्रेस के लोगों ने और पत्रकारों ने भी इस बात का विरोध किया था, जिसके बाद उन पर मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन उस मामले में वो तीनों बाद में बरी भी हुए, निर्वाचन में प्रक्रिया में खलल डालने के लिए मामला बना दिया गया। लेकिन उस समय यह हुआ था कि न्यायालय में अधिकारियों के बयानों में यह प्रूफ हुआ था कि मतांतर पाया गया था और ईवीएम की सीलें टूटी पाई गई। तो जब ये पहले इस तरीके का हो गया है तो क्या इस बात की संभावना अभी भी हो सकती है बालाघाट में कुछ? मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूँ कि बैलेट पेपर बदल के जो है, बैलेट पेपर के अलावा मैं ईवीएम की, ईवीएम में भी हो सकता है, अगर इनकी ये करने की आदत है, अगर ये इस तरीके का प्रयास करते हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे होंगे। उस विषय पर इसलिए नहीं बोलूंगा कि न्यायपालिका की शरण में चला गया, इस विषय पे बोल सकता हूँ जिस तरीके से कल परसवाड़ा के एक प्रत्याशी ने सवाल उठाए कि 100 ईवीएम बदली गई है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। और लगातार आप भी लंबे समय से देखते रहेंगे ईवीएम के खिलाफ देश के कोने कोने से हमें अलग अलग बातें सुनाई देने को मिलती है, कुछ भी हो सकता है। कल जिस तरीके से लाइट आधे घंटे तक कैमरे को बंद रहेगा और जो 27 तारीख वाली बात तो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। कल लगातार जो लंबे समय से मैं कांग्रेस प्रत्याशी के बयान सुन रहा था कि उनके द्वारा बार बार लाइट गोल होने वाली आपत्ति ली जा रही थी, होती करके, और वो कल हुआ भी आधे घंटे, सीसीटीवी बंद रहे, लाइट गोल रही, ये चूक नहीं होनी चाहिए। आज इतना सिस्टम हाईटेक हो चुका है, निर्वाचन आयोग जो है इतना अर्थ खर्च करता है चुनाव कराने के लिए, व्यवस्थाओं के लिए लंबा समय दिया जा रहा था, पूरी शासकीय प्रशासनिक तंत्र जो है एक ही काम में लगा हुआ, और उसके बावजूद भी अगर ये गलती होती है तो मैं इसको सिर्फ चूक या नेग्लिजेंस से नहीं मानता, मैं इसे इस बारे में सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जानबूझ के किए जा रहे प्रकरण में ही हो सकते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में गौरीशंकर बिजन की क्या संलिप्तता आप देखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सीधे आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन के साथ मिली भगत है उनकी और प्रशासन जो है उनके दबाव में काम कर रहा है। देखिए भैया, प्रशासन उनके दबाव में आज से नहीं, लंबे समय से काम करता है, दमनकारी नीति उनका राजनीति का बड़ा हिस्सा रही है, वो प्रशासन को जो है दमन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर जाकर निजी स्तर पर जाके जो है कार्रवाई है, पुलिसिया कार्रवाई है, कहा जा रहा है आएगा तो भाव ही ये सब चीजें करके अब वो आएगा जाएगा तो वक्त बताएगा। बट इस पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने सोशल मीडिया पर जब कलेक्टर साहब का स्टेटमेंट आया उस स्टेटमेंट में मैंने जवाब में लिखा कि मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, मुझे जानकारी नहीं दी, तो इसका जवाब कायदे से किसे देना चाहिए, या तो पीआरओ मुझे जवाब देता या कलेक्टर साहब स्वयं जवाब देते, परंतु मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जवाब दिया जा रहा है, इससे हास्यास्पद क्या होगा। मैंने उसमें लिखा भी रिटर्न कमेंट में कि धन्यवाद माननीय कलेक्टर महोदय कि आपके तरफ से जानकारी या सफाई
जो भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दे दी गई है, और राज्य निर्वाचन आयोग को भी आप तो सफाई इनसे दिलवाई, लिखा मैंने उसमें पब्लिक। तब मुझे अब बोलने को तो एक लाइन में कोई बोल देता भाजपा का एजेंडा कलेक्टर, पर वो एक आईएएस ऑफिसर है। अगर भाजपा कार्यकर्ता इस तरीके से कलेक्टर का बचाव करने सामने आएंगे तो फिर कलेक्टर ही छोड़ो, थोड़ा लड़वा दो।